हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और एक लंबे टाइम के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मेकअप ट्यूटोरियल। और सबसे पहले यहाँ पे मैं अपना स्किन केयर कर रही हूँ। मेकअप करने से पहले सबसे पहले आपको अच्छा सा फेस वॉश यूज कर लेना है, अपना जो फेस है अच्छे से क्लीन कर लेना है। जो भी आपको फेस वॉश अच्छा लगता हो उससे आप अपना फेस अच्छे से धो लीजिए। और उसके बाद आप टोनर अप्लाई ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैंने जो टोनर अप्लाई किया है वो मामा अर्थ का टोनर है। बहुत ही अच्छा टोनर मैं कहूँगी, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हाइड्रेट कर देता है। और इसके बाद यहाँ पे मैं गुड वाइब्स की मॉइस्चराइज़र क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप मॉइस्चराइज़र अच्छे वाला लीजिए। वैसे तो ये वाला भी मॉइस्चराइज़र काफ़ी अच्छा है। अगर स्किन बहुत ही ज़्यादा ड्राई है तो आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए, मैंने इसके बाद प्राइमर अप्लाई कर लिया है। और प्राइमर अप्लाई करने के बाद मैं थोड़ा फेस ऐसे ही थोड़ा सा छोड़ दूँगी। इसके बाद जो फाउंडेशन है वो 5 मिनट बाद या 2-3 मिनट बाद फिर लगाना है। आपने एकदम से प्राइमर अप्लाई करने के बाद फाउंडेशन अप्लाई नहीं करना है। और प्राइमर जो मैंने यहाँ पे लिया है वो कलर बार का प्राइमर है। बहुत ही अच्छा है, थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट अच्छा रिजल्ट देता है आपको। और यहाँ पर मैंने लिप बाम, बायोटिक की लिप बाम यूज़ की थी। और सबसे पहले यहाँ पे हम अपना आई मेकअप कंप्लीट करेंगे, क्योंकि जब हम आई मेकअप करते हैं तो फॉल आउट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इससे हमारा जो भी, अगर हम बेस पहले बना लेते हैं तो वो बेस पे गिर जाता है और बेस जो सारा वो ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पे इसलिए हम आई मेकअप पहले करेंगे। सबसे पहले मैंने अपनी आईज़ पे कंसीलर अप्लाई किया है। कंसीलर स्विस ब्यूटी का है, बहुत ही अच्छा वाला है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। और उसके बाद कोई भी कॉम्पैक्ट ले लीजिए। यहाँ पे मेरे पास जो है फिटमी का है। और अच्छे से डैब डैब कर लीजिए अपनी आईज़ पे, ताकि जो आपका कंसीलर है वो अच्छे से सेट हो जाए। और यहाँ पे पैलेट जो मैं ले रही हूँ, मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट है, बहुत ही प्यारी पैलेट है। और कलर देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड कलर है इसके। तो आप एकदम से ज़्यादा कलर मत पिक कर लीजिए, आराम आराम से, मतलब कि बिल्कुल ही एकदम लाइट आपको अपना हाथ रखना है। और ब्रश जो लिया है मैंने पैक कर लिया है, 203 ब्रश यहाँ पे मैंने लिया है। और इसके बाद यहाँ पे मैं ग्लिटर से अपनी आईज़ पे थोड़ा सा एक शाइनी सा लुक यहाँ पे प्रोवाइड किया है। मैंने गोल्डन कलर के ग्लिटर मैंने यूज़ किए हैं। और आईलाइनर मैंने मेबलिन का यूज़ किया है, बहुत ही अच्छा आईलाइनर है, पेन आईलाइनर है। और पेन आईलाइनर को लगाना बहुत ही इजी और सिंपल होता है, कोई भी लगा सकता है आईलाइनर इसकी हेल्प से। और यहाँ पे अब हम अपना बेस तैयार कर रहे हैं। और बेस बनाने के लिए जो फाउंडेशन मैंने यूज़ किया है, एज़ यूज़ुअल माय ऑल टाइम फेवरेट मिलानी, बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, कवरेज बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है आपको। ये एकदम आपका पार्टी मेकअप है, बिल्कुल ये ऐसा नहीं है कि आपके जो स्किन पे पैचेस वगैरह छोड़ देगा, बिल्कुल भी नहीं। बस आपको अपनी ब्लेंडिंग पे ध्यान रखना है, ब्लेंड आपको अच्छे से करना है, अपना जो फाउंडेशन है वो अच्छे से ब्लेंड होना चाहिए। 5 या 10 मिनट तो ज़रूर दे अपनी ब्लेंडिंग को। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बस आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होनी चाहिए। और यहाँ पर मैं कॉम्पैक्ट यूज़ कर रही हूँ पर्पल का। आपके पास जो भी हो आप यूज़ कर सकते हो। अभी आपको पूरा फेस मेरा वाइट दिखाई दे रहा होगा, बट थोड़े टाइम के बाद जब पूरा मेकअप सेट हो जाता है ना, फाइनल रिज़ल्ट आपको तभी देखने को मिलते हैं कि कैसा मेकअप हुआ है हमारा। तो ये वाला जो मेकअप है मैंने न्यू ईयर पे किया था। आपने अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा है न्यू ईयर वाला तो प्लीज़ ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। और अब हम अपने आईब्रोज़ पे काम करेंगे। आईब्रोज़ आप देख सकते हो मेरी बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं है, बिल्कुल लाइट है। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी की जो जेल आईलाइनर की वह है मेरे पास, तो मैं उसी की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को सेट कर लूँगी। इसमें जेल आईलाइनर भी आपको मिल जाता है, एक तरफ आपको आई शेडो टाइप मिल जाता है और दूसरी तरफ आपको जेल आईलाइनर मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ही एक एंगल ब्रश के हेल्प से आप अच्छे से इनको शेप दे सकते हो, जैसे आपको शेप देनी है
तो देखिए डिफरेंस आप देख सकते हो, एक तरफ कितनी लाइट है और एक तरफ अच्छे से मैंने इनको दोनों को कर लिया है। और अब मैं यहाँ पे लूज़ पाउडर अप्लाई कर रही हूँ, शुगर कॉस्मेटिक का यहाँ पे लूज़ पाउडर मैंने लिया है। आपके पास जो भी हो प्रोडक्ट, आप उनकी हेल्प से ये वाला लुक जो है क्रिएट कर सकते हो। और जो स्टेप वो बिल्कुल ईजी है, हर कोई ये वाला मेकअप कर सकता है। अगर आप बिगनर्स हो तो बिगनर्स के लिए ये वाला मेकअप बहुत ही मतलब कि सूटेबल है और ईजी से आप कर सकते हो। और यहाँ पे देखिए, अब मैं कंटूर कर रही हूँ अपने पूरे फेस को, एक मतलब कि शेप देने के लिए। आपने पूरा मेरा फेस देखा होगा, बिल्कुल वाइट वाइट सा हो गया है। इसका जो रियल लुक हमें मिलता है वो कंटूरिंग से ही मिलता है। तो अगर आप पार्टी मेकअप करते हो तो आपको कंटूरिंग ज़रूर करनी चाहिए। अगर आपका फेस थोड़ा सा हैवी है, अगर आपको अपना फेस थोड़ा सा यू नो पतला दिखाना, आपको नोज़ थोड़ी सी अपनी पतली दिखानी है, तो आप कंटूरिंग ज़रूर कीजिए। और आप देख सकते हो जो मेरी नोज़ है वो थोड़ी सी मोटी है, तो मैं नोज़ पे कंटूर ज़रूर करती हूँ। और यहाँ पे हमारे पूरे फेस को एक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं वो मिल जाएगा अच्छा सा। ऐसा पूरा फेस जो ना वाइट वाइट नहीं दिखाई देगा और एक बहुत अच्छी लुक हमें यहाँ पर मिल जाएगी। और लूज़ पाउडर आपने ऐसे ही थोड़ी देर लगा के रखना है, जब तक आप कंटूरिंग करते हो तो लूज़ पाउडर को ऐसे ही रखना है। उसके बाद एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से आप इसको थोड़ा सा यू नो ब्लेंड कर लेना, बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से, बिल्कुल ज़्यादा आपको रफ नहीं करना है। नहीं तो क्या होगा, जो ब्रश के जो निशान होते हैं वो हमारे बेस पे लग जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं लगता। तो आपको बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से करना है इसको, ज़्यादा रगड़ा रगड़ाई नहीं करनी है। और बस देखिए, और आप देख सकते हो कंटूरिंग से हमारे फेस पे एक अलग ही लुक यहाँ पे मिल गई है हमें। और इसके बाद यहाँ पे मैं ब्रोंजर यूज़ कर रही हूँ। ब्रोंजर जो मैंने लिया है वो शुगर कॉस्मेटिक का है। जहाँ पे हमने कंटूरिंग की थी उसी वाले पार्ट पे हमें ब्रोंजर अप्लाई करना होता है। ये देखिए, अगर आपको हैवी कंटूरिंग नहीं करनी तो आप ओनली ब्रोंजर भी यूज़ कर सकते हो, उसके हेल्प से आप थोड़ी सी लाइट कंटूर कर सकते हैं अपने फेस को। और इसके बाद देखिए, यहाँ पे मैं ब्लश जो पैलेट ले रही हूँ वो मेकअप रिवोल्यूशन की ले रही हूँ। और बिल्कुल लाइट सा शेड यहाँ पे मैं पिक करूँगी, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, कैमरे में आपको लगता है कि बिल्कुल लाइट है बट रियल में देखने में कुछ अलग होता है। अभी जो मेरा आई मेकअप आप देख रहे हो उतना अच्छा यहाँ पे शो नहीं कर रहा है कैमरा, बट रियल में बहुत अच्छा मेकअप हुआ था, आई मेकअप था, बहुत सुंदर आई मेकअप हुआ था। और यहाँ पे मैं जो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वो भी मेकअप रेवोल्यूशन नहीं सॉरी शुगर कॉस्मेटिक का यहाँ पे मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है। ये गोल्डन कलर का हाइलाइटर है और बहुत अच्छी फिनिशिंग इसकी है। और देखिए, फैन ब्रश की हेल्प से यहाँ पे मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छे से लग जाता है इस वाले ब्रश की हेल्प से। और अब मैं अपना जो आई मेकअप मेरा थोड़ा सा रह गया था वो कंप्लीट कर रही हूँ। यहाँ पे काजल जो मैंने ली है वो प्लम की ली है, माय ऑल टाइम फेवरेट, बहुत ही प्यारी काजल है, बहुत ही अच्छी पिगमेंटेशन है इसकी और फैलती बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे काजल मैंने लगा ली है। और उसके बाद यहाँ पे मैं मश्कारा यूज़ कर रही हूँ। मश्कारा जो मैंने अप्लाई किया है वो है मेबलिन का है, यस मेबलिन का ही है, बहुत ही अच्छा है मस्कारा भी। और आईलेसेस मैंने नहीं लगाई थी आज, क्योंकि घर पे ही रहना था। अगर आप किसी पार्टी के लिए अपना मेकअप करते हो तो आईलेसेस आप लगा सकते हो। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको ये मेकअप लुक कैसी लगी, बहुत टाइम के बाद ही मैं मेकअप लुक क्रिएट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैंने लिप लाइनर वेट एंड वाइट का लिया है, बहुत ही प्यारा शेड है। अगर आपके लिप्स जो है ना आप उनको प्रॉपर एक शेप देना चाहते हो तो लिप लाइनर ज़रूर यूज़ किया करो, इससे जो है ना आपकी लिपस्टिक जो होती है बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं जो लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ वो हाफ एंड हाफ की है। और कलर आप देख सकते हो कितना प्यारा कलर है इसका, जो ड्रेस मैंने डाली थी उसी के मैच की लिपस्टिक मैंने आज अप्लाई की है। एंड यू कैन सी माई फाइनल लुक। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे मेकअप का वो है सेटिंग स्प्रे, मेकअप सेटिंग स्प्रे, इसको ज़रूर अप्लाई किया करो। इससे क्या होगा, आप जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा,
सो गाइज, ये मेरी है फाइनल लुक। आई होप आपको पसंद आई हो, बताना जरूर कमेंट सेक्शन में।